बात अगर अजीब चीजें खाने की हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चाइना का ही नाम आता है, और चाइना में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है वो भी इन सभी अजीब चीजों को खाने की वजह से ही फैला है। चाइना में इतना अजीब खाना खाया जाता है जिसके बारे में हमें से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ चाइना वाले ही खा सकते हैं। और नंबर वन पर जो फूड है उसे देखकर आप यही कहोगे कि चाइना अपनी हरकतों की वजह से आज ये सजा भुगत रहा है, ग्रिल्ड क्रोकोडाइल मीट। आज तक तो हम यही जानते थे कि क्रोकोडाइल इंसान को खा जाता है, लेकिन चाइना वाले क्रोकोडाइल को भी खा जाते हैं। चाइना में लोग भुना हुआ क्रोकोडाइल मीट खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, इससे खाने के कई हेल्थ बेनिफिट भी हैं। क्रोकोडाइल से कई डिशेस तैयार की जाती हैं, जिनमें क्रोकोडाइल करी, क्रोकोडाइल टेल स्टेक और क्रोकोडाइल सूप भी तैयार किया जाता है। वेयर्ड स्ट्रीट फूड इन शेंजन चाइना। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे चाइना के लोग शेंजन के एक मार्केट में स्ट्रीट फूड का मजा उठा रहे हैं। पहले आप ब्लैक स्टिंग टोफूस को देख सकते हो जो सुनने में इतने बुरे नहीं लग रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन टोफू से कचरे की स्मेल आती है। ये सुनकर घिन आती है कि कोई इंसान ऐसी चीज कैसे खा सकता है जिसमें कचरे की स्मेल आती हो। और इस वीडियो में आप चाइना के स्ट्रीट फूड में दूसरे जानवरों को भी शामिल देख सकते हो। जिनमें कन खजूर है, ग्रॉस ऑपर्स, सी सरपेंट्स, स्पाइडर्स, कुछ अजीब तरह के बग्स, और यहाँ तक कि ये लोग बिच्छुओं को भी नहीं छोड़ते हैं। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग किसी भी चीज को खा सकते हैं। हम सभी को ये बात पता है कि इंसान एक ओमनिवोर है, लेकिन चाइना ने इस बात को ज्यादा सीरियसली ले लिया। जाइंट रेनबो लॉबस्टर। ये कलरफुल क्रिएचर जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक जाइंट रेनबो लॉबस्टर है। ये क्रिएचर बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने इस पर आर्ट बनाया हुआ हो। इसका नाम इसके ऊपर बिल्कुल सूट करता है। जाइंट रेनबो लॉबस्टर को जापान, थाईलैंड और चाइना जैसे देशों में बहुत ही शौक के साथ खाया जाता है। ये डिश दुनिया के सबसे महंगे खाने में से एक है। इसकी एक प्लेट के लिए आपको 45,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। क्या आप इतना पैसा एक जाइंट रेनबो लॉबस्टर को खाने के लिए खर्च कर सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। जाइंट ऑक्टोपस। फूड जितना खतरनाक हो, चाइनीज को उसे खाने में उतना ही ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उन्हें खतरनाक चीजें खाने की एक्साइटमेंट रहती है। ऐसी इनकी एक डिश सनाजी होती है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ऑक्टोपस जिंदा ही खा जाते हैं। ये डिश इतनी ताजी होती है कि आपके प्लेट में जिंदा ऑक्टोपस ही आपको दिया जाता है। इसे सीसम ऑयल और टोस्टेड सीसम सीड्स के साथ दिया जाता है, लेकिन इसे खाने में बहुत ही बड़ा खतरा होता है, क्योंकि ये आपके हलक में अपने टेंटिकल से ग्रिप बना सकता है जिससे इंसान का गला चोक हो सकता है। स्नेक सूप। दुनिया में ज्यादातर लोग स्नेक से डरते हैं, क्योंकि स्नेक एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला जानवर है, लेकिन यहाँ बात चाइना की हो रही है। इन लोगों को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि चीज कितनी जहरीली और खतरनाक है, इन लोगों को सिर्फ खाने से मतलब है। ये वीडियो ग्वांगडोंग प्रोविंस चाइना की है। इस वीडियो में ये बताया गया है कि आप जाइंट स्नेक सूप कैसे बना सकते हो। इस वीडियो में सबसे पहले आदमी ने स्नेक को अच्छी तरह से धोया, और इसने स्नेक को तब तक धोया जब तक वो अच्छी तरह से साफ नहीं हो गया। इसके बाद उसने स्नेक को ऊपर से नीचे तक छील दिया। स्नेक सूप को चाइना के सबसे लग्जरियस डिशेस में से एक माना जाता है।
पहले इसे खाने का मजा सिर्फ अमीर लोगों के लिए पाते थे, लेकिन अब नॉर्मल लोग भी इसे खा सकते हैं। और चाइना में स्नेक्स को दवाइयां बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। और इन लोगों का मानना है कि ये सूप इंसान की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। लेकिन आपको बता दें कि इस स्नेक के सूप से इंसान को कोरोना वायरस जैसी बीमारी भी हो सकती है। स्क्विड साशिमी। ये वीडियो गैंगन्युंग न्यूंगगैंग मार्केट की है, जो कि चाइना में है। इस वीडियो में स्क्विड सुशिमी बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई गई है। सुशिमी एक तरह की डेलिकेसी होती है, जो कि जापान में काफी फेमस है। ये डेलिकेसी सोया सॉस के साथ में खाई जाती है, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले एक्वेरियम से स्क्विड को लाया जाता है और फिर उन्हें टेबल पर रख दिया जाता है, और फिर एक आदमी इसे जिंदा ही चॉप करने लग जाता है। इसके बाद इस स्क्विड को पीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है। स्क्विड का नर्व सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके दो तिहाई न्यूरॉन्स उसके टेंटिकल्स में ही होते हैं, इसलिए इन टेंटिकल्स को आप चॉप होने के बाद भी मूव करते हुए देख सकते हो। और ये ऐसे ही प्लेट में सर्व किए जाते हैं, जो कि प्लेट में भी हिलते रहते हैं। और जब इंसान इसे खाता है तो ये उसका गला भी चोक कर सकते हैं, इसलिए ये डिश खाते हुए इसे ज्यादा चबाने की एडवाइस दी जाती है। ये भी एक बहुत ही डेंजर फूड है। चाइना वाले डेंजर फूड पर पूरा टीवी शो बना सकते हैं। ब्लोफिश या पफर फिश दुनिया के सबसे डेडली क्रिएचर्स में से एक है, क्योंकि लगभग सभी ब्लोफिश में टेट्रोडोटॉक्सिन होता है, जो कि इंसानों के लिए बहुत ही डेडली है, क्योंकि ये साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा जहरीला होता है। और एक पफर फिश में इतना टॉक्सिन होता है जिससे 30 इंसान आसानी से मर सकते हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो यह है कि इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी जहरीली फिश खा कैसे लेते हैं। तो इसका जवाब यह है कि पहले इस फिश का जहर निकाला जाता है, लेकिन ये काम हर कोई नहीं कर सकता। इसे एक्सपर्ट शेफ तैयार करते हैं जिन्हें सालों का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इससे खाने के लिए आपको शेफ पर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए कि उसने अच्छे से फिश से जहर निकाला है। चाइना में इस फिश को भी शौक से खाया जाता है। स्कॉर्पियन जिनसे लगभग दुनिया के सभी लोग डरते हैं, लेकिन चाइना वाले इसे भी खा जाते हैं। चाइना में आपको स्कॉर्पियन तले हुए, भुने हुए, और कभी कभी जिंदा भी सर्व किए जाते हैं, और इन्हें स्नेक्स के रूप में सर्व किया जाता है। और इन स्कॉर्पियन के स्टिंग भी रिमूव नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हीट में जाने के बाद इनका जहर खत्म हो जाता है। चाइना में स्कॉर्पियंस को मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए ये आपको ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इससे घर पर कुक ना करने की एडवाइस दी जाती है।